हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, आज 2 मार्च सोमवार का दिन है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे। आपके व्यापार करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सकें, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपको बताएंगे। आपके ग्रह गोचर आज आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपके करियर तथा लव लाइफ में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं, आपको बताएंगे। आज के दिन आपको कौन से चीज़ों से सावधान रहने की जरूरत रहेंगे और कौन सा चीज़ आपके लिए खतरनाक साबित होंगे, आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आज का दिन मीन राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी लाभकारी रहने वाले हैं। मित्रों, आज के दिन आपको व्यापार में काफ़ी मुनाफे होंगे। आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। आज आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत रहेंगे और थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। वैवाहिक जीवन में आपके खुशियाँ बढ़ेंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिहाज से आपका दिन काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आप हर काम को धैर्य और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपकी कोशिशें सफल होंगी। ऑफिस का माहौल बढ़िया रहेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते मिलेंगे। आज के दिन मीन राशि की जो महिलाएं जॉब करती हैं, जॉब करने वाली महिलाओं के लिए दिन काफ़ी बेहतर रहेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएंगे। आज के दिन घर वालों का माहौल भी, घर का माहौल भी काफ़ी खुशनुमा बना रहेगा। आपको अचानक से धन लाभ के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। आपको किस्मत का पूरा पूरा सहयोग मिलेंगे। साथ ही दूसरे लोग आपके कामकाज से प्रभावित होंगे और किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने से आपके कार्यों की गति बढ़ेंगे। परिवार में मधुरता के साथ विश्वास भी बढ़ेगा। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। सफलता आपके कदम को चूमने वाली है। आज पारिवारिक मामलों को लेकर आपको भागदौड़ करनी पड़ेंगे। आप ऑफिस का काम समय से पूरा करने में काफी सफल रहेंगे। भाई बहनों के रिश्तों भी काफी बेहतर होंगे। आज किसी से बेवजह आप मजाक करने से बचें। आज के दिन आपके द्वारा किए गए मजाक आप पर भारी पड़ सकते हैं। ऐसे में आज के दिन बेवजह आप किसी से मजाक ना करें और किसी रिश्तेदार के घर पर आ जाने से आप अपने जीवन में थोड़े से अनकंट्रोलेबल फील कर सकते हैं। आज के दिन आपको थोड़ा सा सजग और सावधान रहने की जरूरत होंगे। आप अपने आप को बेहतरीन साबित करने के लिए तरह तरह की योजनाओं को बना सकोगे। आप अपने किसी करीबी दोस्त की मदद से नए काम पर सोच विचार करेंगे। सेहत में सुधार आ सकेंगे। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आप ऑफिस के काम में थोड़े से बिजी हो सकते हैं जिनसे कि आप थोड़े थकान भी महसूस कर सकते हैं, परंतु आप अपने ऑफिस के कामों को सही समय पर पूरा कर सकोगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेंगे। मित्रों के साथ घूमने का प्लान बना सकेंगे। पारिवारिक मामलों को अनदेखी करने से बचें। भाई बहन की मदद करने से आपको अच्छा महसूस होगा। आप अपने करियर में नए आयाम को स्थापित कर सकते हैं। मेडिकल छात्राओं के लिए आज का दिन काफी शुभ रहेंगे। आज आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहने वाली हैं। मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आज किसी खास काम को करने में आपको फायदे मिल सकते हैं जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेंगे। माता पिता के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जीवन साथी आपकी बातों से काफी प्रभावित होंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन जो लोग बेरोजगार हैं और रोजगार की प्राप्ति करना चाहते हैं उन लोगों को बेहतर रोजगार की प्राप्ति होने वाली है। आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सजग होकर अपने कार्यों को बेहतर अंजाम देने का प्रयास करना चाहिए। आज बिजनेस के मामलों में आपका दिन काफ़ी बेहतर रहेंगे। आज के दिन आपको जीवन साथी और आपके लव लाइफ या फिर प्रेमी प्रेमिका आपकी बातों से प्रभावित
होंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी सफलता मिलेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, आप वाहन खरीदने का मन बना सकोगे। लंबेट के लिए आज का दिन काफी बेहतर रहेंगे। अविवाहित लोगों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। मित्रों, आज के दिन जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए दिन काफी शुभ और कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज आप अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकोगे। आज आपकी सेहत भी काफी अच्छी बने रहेंगे। ऑफिस में सभी लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेंगे, क्योंकि आपको उन लोगों का काम, उन लोगों से आपको मदद की जरूरत भविष्य में पड़ सकती है। ऐसे में आपको उन लोगों से बेहतर तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप शाम को किसी समारोह में शामिल होंगे और किसी पुराने मित्र से मिलकर आपका मन भी काफी प्रसन्न रहेगा। लंबेट के लिए आज का दिन काफी शानदार रहेगा। आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। परिवार में एक दूसरे के साथ आपसे सामंजस्य बेहतर रहेंगे। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान रहेगा। आप जिस काम को करने का प्रयास करेंगे उस काम में आपको कामयाबी जरूर मिलेंगे। आपके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में आ रहे उतार चढ़ाव दूर होंगे। आपको अपनी सोच और व्यवहार को संतुलित रखना सबसे बेहतर रहेंगे। आज के दिन आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिनसे कि आपको शर्मिंदा या फिर आपको झुकना पड़े। आज किसी पर भी ज्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आप अच्छी तरह से सोच विचार जरूर कर लें। आज के दिन आपके द्वारा लिए गए फैसले भविष्य में काफी निर्णायक साबित होंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने का मन बना रहे हैं तो उनके लिए आज का दिन काफी बेहतर रहेंगे। पारिवारिक माहौल भी काफी खुशनुमा बना रहेगा। कार्यों में परिवार वालों का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेंगे। आपके सभी परेशानियां दूर होंगे। आप अपना लक्ष्य निर्धारण करने के लिए कोई नई योजना बना सकोगे। घरेलू समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में आप काफी सफल रहेंगे। तथा मीन राशि के जो लोग नौकरी में हैं, आज उन्हें कोई अच्छी खबर मिलेंगी। नौकरी पेशा वाले लोगों को सैलरी बढ़ोतरी या फिर पदोन्नति के सुनहरे अवसर की प्राप्ति हो सकते हैं। आज आपके घर में मेहमानों का आगमन होगा और किसी पुराने कार्य को पूरा करने में आपका कोई करीबी, आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई सहयोगी आपकी मदद कर सकते हैं। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मन बना सकोगे। लवमेट जो कि लव रिलेशनशिप में हैं, वे एक दूसरे को कोई गिफ्ट दे सकते हैं। इनसे आपके रिश्तों में मजबूती और आपके गहराई भी बढ़ने वाली है। आज आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। तथा मीन राशि के छात्रों को अपने शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेंगे। साथ ही करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी सामने आ सकेंगे। अगर आपका ज्वेलरी का व्यवसाय है तो रोज की अपेक्षा आज आपको ज्यादा फायदे होंगे। संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। शाम को बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेंगे। आपके सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ेंगे और किसी काम को लेकर आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होंगे। कुछ पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात होंगे। सहयोगी आपके कार्यों में आपकी मदद कर सकेंगे। ऑफिस के कामों से आपको यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। आज आपकी सेहत भी काफी अच्छी रहेंगे। घरेलू महिलाओं के लिए आज का दिन काफी अच्छे रहेंगे। लंबेट एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और जीवन साथी के साथ आप लंबी बातचीत कर सकते हैं। ऐसे में सफलता के नए रास्ते भी आपको दिखने वाले हैं। आपका कोई सोचा हुआ कार्य पूरा होगा। तथा मीन राशि के छात्र को करियर में आज नए बदलाव करने का मौका मिलेगा जो उनके भविष्य के लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। आपके सेहत अच्छी रहेंगे। मीन राशि के जो लोग सोशल साइट से जुड़े हैं और सोशल साइट पर काम करते हैं उनकी जान पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से होंगे जिनसे आपको काफी लाभ मिलेंगे। कारोबार में कुछ लोग मददगार साबित होंगे। अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपके सहारना होंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आपको किसी खास कामों में किसी अनुभवी व्यक्ति से मदद मिल सकती है। परिवार के साथ आप मूवी देखने का प्लान कर सकोगे। इनसे आप एक दूसरे की भावनाओं की कदर कर सकेंगे तथा एक दूसरे की जो भी आपकी गलत फहमियां हैं उनको दूर करने का भी प्रयास आप कर सकते हैं। आज के दिन आपको बताना चाहेंगे कि आपको किसी तरह की पुरानी
यानी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने से बचना चाहिए। आज आप साथ ही साथ पैसों के लेन देन करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें, आप अपने समय का सदुपयोग जरूर करें, इनसे आपको लाभ मिलेंगे। संतान की शिक्षा में उन्नति होंगे, माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार आ सकेगा, दाम्पत्य संबंध बेहतर रहेंगे। लम्बेट के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे तथा लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। लोग आपकी मदद करेंगे, लोगों के साथ उठना बैठना, घुलना मिलना और उनके साथ तरह तरह की बातें करना आपको काफ़ी शोभा देगा। आज के दिन आप नए कार्यों के प्रारंभ कर सकते हैं जिसमें कि आपको काफ़ी फायदे होंगे। आज के दिन आप तरह तरह की योजनाओं को बना सकोगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ।